राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान शिमला में रेड रिबन क्लब के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 39 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस शिविर का उद्घाटन महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर दिलीप शर्मा द्वारा हुआ। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मेहता की टीम ने इस शिविर को सफल बनाने के आयोजन में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया और इस शिविर में प्राध्यापकों, स्टाफ और विद्यार्थियों ने 39 यूनिट रक्तदान किया, जिसमें कुछ यूनिट दुर्लभ रक्तदान भी है। और आज हमारे महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये एक्चुअली जो भारत सरकार का कैंपेन है न्यू इंडिया एट द रेट 75, उसके अंतर्गत किया जा रहा है। और क्योंकि डिफरेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट तरीके से इसको डिफरेंट चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, तो उसके अंडर आज हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है और कल हम एक सेमिनार कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। आज के जो ये रक्तदान शिविर है, इसमें IGMC की टीम आई है, जिसमें डॉक्टर मेघना की टीम है ये। और अभी तक 11 बजे ये रक्तदान शिविर शुरू हुआ था और मुझे खुशी हो रही है कि विद इन 1 आवर जो है, अभी 1 आवर भी नहीं हुआ है और हमारा जो है 17 यूनिट जो है वो यूनिट्स ब्लड की एकत्रित हो चुकी हैं। बच्चे जो हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आज का जो युवा वर्ग है वो बिल्कुल अवेयर है, क्योंकि कोरोना काल में ये इस तरह का ब्लड जो है, ब्लड बैंक्स में ब्लड की कमी रही है और युवा वर्ग इस बात को समझता है और बच्चे जो है वो बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।